नमस्कार, उच्च बिहार में आप सभी का स्वागत है। रिया सिन्हा आपके साथ है। चुनाव नजदीक है और राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो चुकी है और काफी तेजी से आगे बढ़ भी रही है। आपको हम बताएंगे, कल तेज प्रताप यादव ने अपना नामांकन हसनपुर से करवाया और उनके साथ तेजस्वी यादव भी गए थे और माँ का आशीर्वाद लेकर वो हसनपुर पहुंचे थे वहाँ नामांकन के लिए। और आज जो है, आज शुभ अवसर पर तेजस्वी यादव नामांकन के लिए निकल पड़े हैं राघोपुर। उन्होंने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाएंगे। आपको हम बताएं कि तेजस्वी यादव कल भी तेज प्रताप यादव के साथ हसनपुर गए थे उनके साथ, लेकिन आज तेजस्वी यादव अपने नामांकन के लिए जा रहे हैं राघोपुर सीट के लिए। वो अपने नामांकन करने के लिए अपनी मां से आशीर्वाद लेकर राघोपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। आइए देखते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। सबसे पहले हम इतना कहना चाहेंगे, आज राघोपुर से हम नामांकन भरने जा रहे हैं। राघोपुर की जनता ने हमेशा हम लोगों का साथ दिया है और इस बार पुनः एक बार फिर राघोपुर की महान जनता जो है जिताने का काम करेगी। और आज नामांकन के दिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे, पहले हमने कहा है कि पहले कैबिनेट मीटिंग में सरकार बनती है तो पहला दस्तखत जो होगा, हस्ताक्षर जो होगा, वो 10 लाख नौजवानों को रोज़गार देने का होगा, जो कि स्थायी होगा, सरकारी होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े लंबे अरसे से समान काम समान वेतन की जो मांग नियोजित शिक्षकों की रही है, उनको मैं वादा करता हूँ कि सरकार बनने के दिन, आज मेरा नामांकन है, हम घोषणा करते हैं, 2 दिन बाद हमारा ब्लूप्रिंट भी सामने आएगा साझा, सभी कांग्रेस और माले के CPI CPM के साथी भी साथ रहेंगे, लेकिन आज नामांकन है इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि समान काम समान वेतन को लेकर के जो नियोजित शिक्षकों की लंबे अरसे से मांग रही है, लड़ाई रही है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लगातार बेरोजगारी पे, भूखमरी पे, गरीबी पर, पलायन पर, बाढ़ से लेकर के जितनी आफत कोरोना काल में जितने लोगों को, मजदूरों को परेशानी झेलनी पड़ी है, लगातार हम लोगों ने सवाल सरकार से पूछा, लेकिन सरकार के पास कोई उत्तर नहीं रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी 145 दिन तक जो है बाढ़ कोरोना काल में गायब रहे, नज़र नहीं आए। अब जब वोट का समय आया है तो जनता के बीच जाकर के वोट मांगने का काम करें। बिहार की जनता, बिहार जो प्रदेश है सबसे नौजवान प्रदेश है इस देश का, और बेहद ज़रूरी है कि 60% आबादी में जो युवा जो है, 60% जिसकी आबादी है इस बिहार राज्य में, वो एक नई सोच की सरकार चाहती है। और ये निश्चित है हम सरकार बनाने जा रहे हैं और भारी उत्साह बिहार के गरीबों में, मजदूरों में, किसानों में, नौजवानों में हमने देखा है। कई बार हम लोगों पे निजी हमले होते रहे हैं, पूरी तरीके से हत्या का भी मुकदमा हम लोगों के ऊपर किया गया, किसके दबाव में, इस पे हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। हम नए सोच के हैं, हर जाति हर धर्म को साथ लेकर के चले। आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है इस चीज़ पर, और चूंकि चुनाव नज़दीक है तो नामांकन के प्रोसेस भी शुरू हो चुके हैं और उसी के लिए आज तेजस्वी यादव राघोपुर जा रहे हैं। आपको अगली खबर के साथ फिर से रूबरू करवाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बिहार के साथ जुड़ने के लिए।